अब आई नो कि हमारे बीच में ना बहुत लंबा गैप आ चुका था, बहुत टाइम से कोई रेसिपी नहीं आई थी और ना ही हम एक दूसरे के साथ प्यार बांट पाए थे। तो वो गैप खत्म करने के लिए, वो जर्नी दोबारा शुरू करने के लिए हम हाजिर हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विद अ ट्रेंडिंग रेसिपी। आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है एक चॉकलेट केक, दैट इज ड्रीम चॉकलेट केक। वो जैसे ये डब्बा है ना, डब्बे के अंदर सर्व होता है और उसके चार पार्ट्स होते हैं, चार लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे चॉकलेट स्पॉन्ज, देन चॉकलेट गिनाश एंड देन चॉकलेट पुडिंग। उसके ऊपर जाती है एक पतली सी डिस्क ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। उस मेल्टेड चॉकलेट को जमा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है और उसके बाद डिग इन टू द गुडनेस ऑफ चॉकलेट। तो वो ट्रेंडिंग ड्रीम चॉकलेट केक की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं आफ्टर इंट्रो। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने चाह रहे हैं ड्रीम चॉकलेट केक इन अ टिन। आपको ये टिन की जरूरत पड़ेगी, इसी के अंदर बेकिंग होगी। यूजुअली एल्यूमिनियम के टिन के अंदर बेकिंग होती है, बट हमें वो एल्यूमिनियम वाला टिन मिला नहीं, इसीलिए हम लेके आए हैं ये स्टील का टिन। और उसके साथ आपको टिन का ढक्कन भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का सरप्राइज होता है। अब इमेजिन यू आर गेटिंग दिस ड्रीम केक वाला टिन इन योर हैंड, ढक्कन लगा हुआ है, आपको नहीं पता क्या है अंदर। देन यू ओपन द लिड, उसके अंदर चॉकलेट की गुडनेस है बहुत सारी। यू डिग इन टू इट एंड योर फेस हैज अ वेरी बिग स्माइल। तो उसको बनाने के लिए ना, सबसे पहले हम स्पॉन्ज बनाएंगे, चॉकलेट स्पॉन्ज। ये चॉकलेट स्पॉन्ज होगा एगलेस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दूध चाहिए और दूध में विनेगर। अब ये दूध में विनेगर डालने से ना बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। दिस वुड गिव यू द एसिडिटी, दैट एसिडिक नेचर जिससे राइस आएगा। अब ये दूध हो गया, बटर मिल्क हो गया साइड में, ठीक है जी। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, सबसे पहले मैदा। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना हम एक सीव में डाल लेंगे और उसको अच्छी तरह छान लेंगे। छानने से एक तो लम्स निकल जाएंगे और एक नेचुरल एरिएशन आ जाएगी, जिससे हमारा स्पॉन्ज बनेगा सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो अब मैदे के बाद हम डाल देंगे कोको पाउडर। दिस इज अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अगर आप स्वीटेंड कोको पाउडर लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी कम कर लीजिए, ठीक है जी। अब साथ ही चीनी, साथ ही बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का काम हो चुका है, इसको रख देंगे साइड में, ठीक है जी। और वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए एक अलग बाउल, और उसमें सबसे पहले ये बटर मिल्क जो हमने तैयार करा था। अब आप देख सकते हैं कि बटर मिल्क बनने लग गया था, दूध कर्डल करने लग गया था। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, अभी कंडेंस मिल्क ना अच्छी तरह स्क्रेप आउट कर लीजिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। कंडेंस मिल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए कटोरी में प्यार लगा रह गया ना तो प्यार वेस्ट हो जाएगा। और साथ ही वेनिला एसेंस एंड ऑयल। अब देखिए वेट इंग्रेडिएंट्स में ना फैट ऊपर ऊपर अकुमुलेट हो चुका है, अभी इस टाइम पे वो मिलेगा नहीं। जैसे ही हम वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे तो वो फैट भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसको हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब कभी भी आपको एगलेस बनाना है ना, कोई भी चीज जैसे केक हो, कुकीज हो, या कोई भी चीज एगलेस बनानी है,
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इज कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के अंदर ना वो एरिएशन आ जाती है, एक्चुअली वो टेक्सचर ऑब्टेन कर लेता है कोई भी चीज कंडेंस मिल्क के थ्रू, वो एगलेस वाला, इसीलिए कंडेंस मिल्क बहुत बढ़िया चीज है। देखिए अब एरिएशन के लिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिक्स है विच वुड रिएक्ट विद बटर मिल्क। सेकेंडली बटर मिल्क में जो भी लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा बेकिंग के दौरान और वो स्टीम ट्रैप हो जाएगी मैदे के स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये जो बैटर है ये डाल लेंगे टिन में। अब आपने ध्यान रखना है कि आपने इसी टिन में चार लेयर्स बनानी है, तो केक का बैटर सारा नहीं भरना, मतलब सिर्फ 25% ऑफ द टिन आपने बैटर भरना है, क्योंकि एक तो राइस भी आएगा तो ऊपर जाएगा और दूसरा टिन भी तैयार कर लीजिए बैटर डालने के लिए। अब इसको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 30 to 40 मिनट्स। ठीक है जी, अब ये स्पॉन्ज बेक हो चुका है, बट जब तक स्पॉन्ज ठंडा नहीं होता तब तक हम अगले स्टेप पे बढ़ नहीं सकते, तो इसको ठंडा होने दीजिए और उसके बाद देखते हैं आगे। अब हमारे केक ठंडे हो चुके हैं, अब सेकंड स्टेप पे जाने का टाइम है। वैसे तो स्पॉन्ज के बाद जो स्टेप आता है दैट इज चॉकलेट गिनाश, और उसके ऊपर आता है चॉकलेट पुडिंग, और हमें चॉकलेट पुडिंग ठंडे होने का टाइम चाहिए होगा, गिनाश तो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, बट चॉकलेट पुडिंग ठंडा होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए पहले हम चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। उसके लिए एक सॉस पैन और उसमें पहले कोको पाउडर, साथ ही कॉर्नफ्लावर, शुगर। अब याद रखें अभी तक हमने हीट ऑन नहीं करी है, स्टोव ऑन नहीं करा है, तो पैन हमारा ठंडा है, अभी स्टोव थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे। अब इसमें जाएगा एक कप दूध, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डालेंगे इसको। अब ग्रेजुअली दूध डालने का एक रीजन है कि अगर आप एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, और अगर एक बार ही लम्स पड़ गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ग्रेजुअली दूध डालें, पहले थोड़ा दूध डाल के सारे लम्स निकाल लें, उसके बाद बाकी का दूध डाल दें। अब ये दूध हमने सारा डाल दिया, इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस और नीचे गैस ऑन कर लेंगे। अब इसको चलाना ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो ये लंपी होने लग जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे ये थिकन होने लग जाए इसके अंदर थोड़ी सी चॉप चॉकलेट, अब इस स्टेज पे आप गैस बंद कर दीजिए, जो चॉकलेट है वो पुडिंग की हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, और इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। अभी पुडिंग तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये थोड़ा और थिकन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए कि आपको अगर लग रहा है ये पतला है तो। ठीक है जी, अब चॉकलेट गिनाश का काम करते हैं, तो चॉकलेट गिनाश के लिए मैंने डबल बॉयलर रख लिया, उसमें 2 कप चॉकलेट एंड 1 कप क्रीम, अब ये गिनाश डन है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर होल्ड करने देंगे, और उसके बाद पोर करेंगे सेकंड लेयर। सेकंड लेयर डालने से पहले हम स्पॉन्ज पे शुगर सिरप डाल लेंगे ताकि स्पॉन्ज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब गिनाश की लेयर के बाद पुडिंग की लेयर, अब ये 3 लेयर्स डाल दी है, बस ये लास्ट लेयर, उसके लिए चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। पुडिंग के ऊपर मेल्टेड चॉकलेट की लेयर, और उसके बाद
ये कोको पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब मैंने बनाते हुए ना एक और केक बनाया था, और जब तक ये फ्रीज हो रहा था तब तक मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। आई डिग इनटू द गुडनेस ऑफ चॉकलेट एंड आई बेट आप जब बना के हटोगे आप भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे टू डिग इनटू द गुडनेस। तो अब इंतजार मत करो, रेसिपी आपके पास है, जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।